सब्सक्राइब कीजिए केएस इन्फोटेक चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप देख सकें टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, आज 20 फरवरी 2018 है। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो हमारे चैनल के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है और आज का दिन भी हमारे लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि हमारे चैनल की फर्स्ट ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। साथ ही साथ ये दिस दिन हमारे लिए सैड दिन भी है, क्योंकि शायद आज मेरा मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी 4000 आवर्स का वॉच टाइम नहीं है। तो देखते हैं, अगर होता है तो होता है, अगर नहीं होता है तब भी चलेगा। आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं इसको बना दे रहूँगा, चाहे मोनेटाइजेशन डिसेबल क्यों ना रहे। तो आज का ये टॉपिक है जो मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो इस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बता के दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है। तो मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि आप कीप सेफ वैल्यूट में से डिलीटेड हुए फाइल्स और फोटोज़ को आप रिकवर कैसे कर सकते हो, भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो। तो मैं हूं किशोर सरवैया और आप देख रहे हैं केएस इन्फोटेक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कीप सेफ है, मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है। मतलब ऐसे तो मैंने इसके लिए रिसर्च के लिए बहुत बार यूज़ किया, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं पहले से करता हूँ, ताकि किसी को लगे ना कि मैंने वीडियो एडिट करके कॉपी पेस्ट करके सब कुछ किया है। इसलिए मैं आपको पहले से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ग्रांट एक्सेस कर देना है, हमें परमिशन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है आपको, जो यहाँ पे आपको वो ईमेल एड्रेस डालना है जो आपने अपने वैल्यूट में डाला था। लेकिन मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने से पहले आपको एक बात बता दूँ, अगर आप अभी भी कीप सेफ का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप उसको पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप मेरे गूगल ड्राइव से इस प्रो वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मैंने बिल्कुल फ्री में पैच वर्जन है। अगर ये प्रो वर्जन आप प्ले स्टोर से ख़रीदते हो तो आपके लिए इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके मेरे गूगल ड्राइव से आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप इसी को इंस्टॉल कर लीजिए, पहले वाला जो है इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डेटा रिकवरी कर सकते हो, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास उस कीप सेफ में जो डेटा है वो आप इसको बैकअप ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सेफ्टी के लिए आप उसको बैकअप कर लीजिए। उसके बाद उसको अनइंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपके जो पहले वाले जो फ़ोटोज़ या डेटा है वो आप रिकवर कर सके। तो उसके बाद आप अपने उस वैल्यूट में जो ईमेल एड्रेस डाला था उसको आपको इसी में डालना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे एक कोड आएगा, आप सब जानते होंगे कीप सेफ यूज़ करते हो तो। देखिए, यहाँ पे आ चुका है। देखिए, सिंपली हमारा वैल्यूट है वो जो यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं कोई भी एल्बम या फोटोज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट फोटोज़। चलिए, यहाँ से मैं कोई भी फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, इसी को हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए, ये फ़ोटो हमारी इंपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप देख लीजिए। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सिंपली इसको डिलीट कर दिया। तो देखिए, मेन एल्बम से यहाँ पे चला गया। अब आप देखिए, यहाँ पे हम और जो डिलीटेड फ़ोटो है यहाँ पे ट्रैश में पड़ी होगी। देखिए, यहाँ पे ट्रैश में। अब आप ये सोच रहे होंगे ट्रैश में तो हमारे जो ओल्ड वर्जन था वो तो ट्रैश ओपन ही नहीं हो रहा था। तो मैं आपको बता दूँ, ये ट्रैश वर्जन है, जो ट्रैश आपको प्रो वर्जन में ही मिलता है। फ्री वर्जन जो है उस यूज़ करते हो तो उसमें आपको इसमें से रिकवरी का ऑप्शन नहीं मिलता। आप मेरी डिस्क्रिप्शन से जो डाउनलोड किया है उसको आप अगर इंस्टॉल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे इसको इंस्टॉल करने से हमारे पहले वाले फ़ोटो थोड़ी रिकवर होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो पहले भी जो जितने भी फ़ोटोज़ डिलीट हुए आपने डिलीट किए हैं या फिर किसी और ने डिलीट किया है, तो वो सारे के सारे फ़ोटोज़ कीप सेफ के ट्रैश फोल्डर में पड़े ही होंगे। आपको सिर्फ करना इतना है कि आप
आपने उस वैल्यू में जो भी ईमेल एड्रेस डाला था वही वैल्यू इस मेरे वाले ऐप में डालना है, जिससे कि आपका ट्रेस जो है वो ओपन हो जाएगा। सिंपली देखिए ऐसे ट्रेस ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करने से आपका जो फोटोज और डेटा है वो फिर से रिकवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा एल्बम में मेन एल्बम में आ चुका है। तो अब इसी तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने ओल्ड फोटोज़ या डेटा जो है कीप सेफ से डिलीट हुए है उसको आप रिकवर कर सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। आपको इसके लिए कोई भी एडिशनल चार्ज पे नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा फ्री का जो ऐप है प्रो वर्ज़न वो आपके लिए अपने गूगल ड्राइव में सेव करके रखा था, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ आ गया हो कैसे आप अपने ओल्ड फोटोज़ और डेटा को रिकवर कर सकते हो कीप सेफ ऐप में। और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिसने मेरे वीडियो को कमेंट करके मुझे पूछा था, मुझसे रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मैं आपके लिए बहुत ही ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जिससे कि आपको यूज़फुल हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ अब से हमारे वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी 4000 अर्स का वॉच टाइम नहीं है। तो आई होप गाइस आप लोग शेयर करेंगे और हमारे चैनल जल्दी से 4000 अर्स रीच कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।